नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए भी शिक्षा और शिक्षा में से जुड़ी हुई 7 खबरें। इन खबरों को बताने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दबाइए उस बेल आइकन को भी ताकि मेरी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके सबसे पहले। तो आज के समाचार शुरू करने से पहले हम सबसे पहले जो जानकारी देंगे वो देंगे 2 नवंबर की, और जो कि कल की है। आज इस न्यूज़ को बताने में थोड़ा लेट हो गया हूँ, लेकिन चलिए मैं इस खबर को बता देता हूँ कि 2 नवंबर को 30-33 समर्थकों का विधानसभा घेराव था, जिसमें 30-33 समर्थकों ने आदित्य संघर्ष के साथ वहाँ पर विधानसभा घेराव के लिए उन्होंने कूच किया। तो वहाँ पर सरकार ने उन पर लाठीचार्ज किया है और लाठीचार्ज में काफ़ी छात्र छात्राएं घायल हुए हैं, वो अभ्यर्थी सारे घायल हुए हैं जो वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर करीब 22 लोगों की गिरफ्तारी बताई गई है और महिलाओं को पुरुष को बहुत ही गंभीरतापूर्वक चोटें भी आई हैं। इन गंभीर छात्रों से मिलने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश कुमार यादव भी वहाँ पर पहुँचे हैं। उन्होंने हॉस्पिटल में जाकर उनसे उनके हालचाल पूछे और कहा, और ट्वीट करके भी कहा है कि सरकार की इस निर्दयता को, इस लाठीचार्ज को, जिस पर जब बच्चों का खून बहा है, ये भाजपा पार्टी के पतन का कारण हो सकता है। ये ट्वीट करके कहा अखिलेश यादव जी ने, और इसके लिए उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम इन बच्चों का पूर्ण समर्थन देंगे, इनका हम सब सपा जो समाजवादी पार्टी जो है हमेशा उनके साथ रहेगी। चलिए दूसरी खबर हम आपको बताते हैं कि 68,500 शिक्षक भर्ती और 12,460 शिक्षक भर्ती हाई कोर्ट के आदेश के बाद जैसे सभी को जानकारी मिली कि इसमें 12,460 शिक्षक भर्ती रद्द कर दी गई और 68,500 शिक्षक भर्ती पर CBI जांच लगा दी गई है। 12,460 भर्ती के लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इनके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए हम डबल बेंच भी जाएंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। और 68,500 शिक्षक भर्ती में लगी CBI जाँच के लिए भी वो सरकार डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि चयनित अभ्यर्थियों की भविष्य को सुरक्षित करना सरकार की जिम्मेदारी है। ये खबर जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से पता चली सभी को, तो रिजवान अंसारी जी, ये तीसरी खबर हम आपको बताते हैं कि रिजवान अंसारी जी ने सुप्रीम कोर्ट में कैवियट दाखिल की है 68,500 शिक्षक भर्ती में CBI जाँच के मामले में। सुप्रीम कोर्ट में कैवियट दाखिल करने का मतलब ये है कि जब कभी भी 68,500 शिक्षक भर्ती में CBI की जांच को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी तो को सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला बिना रिजवान अंसारी की रिट को ध्यान में रखते हुए, यानी उनको पार्टी बनाते हुए, उनको बुला देगा और उनका रिजवान अंसारी के वकील वहाँ पर बहस करेंगे, तब जाके सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगी। तो रिजवान अंसारी एक कदम आगे चल रहे हैं सरकार से और पूरी तैयारी के साथ कि सरकार CBI जांच ना हटा पाए, इसके लिए तैयारी करने के साथ साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी कैवियट दाखिल कर दी है। अगर सरकार डबल बेंच से भी हार जाती है तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। तो रिजवान अंसारी ने बहुत आगे की सोच के पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में कैवियट दाखिल कर दी 68,500 में CBI जाँच के खिलाफ। इसके अतिरिक्त हम चौथी खबर आपको बताना चाहेंगे कि जिला शामली में BLO शिक्षा मित्रों ने और उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा में संघ ने सहायक निर्वाचन अधिकारी महोदय को पत्र लिखा है, प्रार्थना पत्र लिखा है कि 18 नवंबर को जो विशेष बूथ लगा हुआ है मतदान स्थल पर, उसी दिन 18 नवंबर को शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी UPTET 2018 की परीक्षा है और शिक्षा मित्र हैं, BLO के रूप में कार्य कर रहे हैं, वो उस परीक्षा में बैठने जाएंगे। तो उन्होंने निर्वाचन अधिकारी से प्रार्थना की है कि उस दिन का अवकाश उन शिक्षा मित्र BLO को स्वीकृत कराया जाए। अब या तो शिक्षा मित्रों का अवकाश स्वीकृत होगा या फिर उनकी बूथ की तिथि को बदला जाएगा। ये प्रार्थना पत्र सभी BLO शिक्षा मित्रों की तरफ से जिला शामली में दिया गया है और इस प्रार्थना पत्र के आधार पर ये कहा जा रहा है कि ये सभी जिलों में लगभग सभी शिक्षा मित्र ज़्यादातर BLO हैं और उनकी UPTET 2018 में भी बैठने के लिए तिथि निर्धारित है, तो इसकी समस्या का समाधान भी शिक्षा मित्र संगठन जल्दी से जल्द जिलों में करेंगे। इसके अतिरिक्त अब हम पांचवी खबर आपको बताना चाहेंगे
कि सिद्धार्थ नगर टीम की रिट, जैसे आप पहले एक सिद्धार्थ नगर की टीम थी जो हाई कोर्ट से उसका उनका केस खारिज कर दिया गया था, और इतने महीनों तक इस टीम की कोई खबर नहीं थी, कोई खबर नहीं मिल रही थी, तो अचानक ही इस टीम ने अपनी अपडेट दी है कि ये बिना प्रचार प्रसार किए लगातार कोर्ट में सक्रिय रही है। और इन्होंने कहा है कि सिद्धार्थ नगर की टीम जो 1/24 के मामले में सुनवाई करवा रही थी, वो 4 अक्टूबर को उन्होंने एक फिर से कोर्ट में रिट दाखिल की थी, और इसकी 8 की डेट लगी थी, यानी 8 अक्टूबर इसकी डेट लगी हुई थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई थी। 8 अक्टूबर को इसकी सुनवाई नहीं हुई, फिर 2 नवंबर को यानी कि कल इसकी सुनवाई हुई है, और जिस पर कोर्ट ने अब इसको दिवाली के बाद सुनने के लिए कह दिया है। तो 1/24 की लड़ाई लड़ रही सिद्धार्थ नगर की टीम अपने केस की सुनवाई अब दीपावली के बाद करवा पाएगी। ये 1/24 की शिक्षा मित्रों के लिए डाली गई याचिका थी, जिसमें 1/24 को ट्रेनिंग के आधार पर NCT ने जो परमिशन दी थी उस पर आधार पर ये केस चल रहा था कि शायद 1/24 बहाल हो जाएंगे, लेकिन पिछली बार भी ये टीम काफ़ी सक्रिय होने के बावजूद भी कोर्ट से अपने केस को नहीं बचा पाई, और वहाँ कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने इसकी याचिका को खारिज कर दिया था। चलिए अगली खबर हम बताना चाहेंगे जो 68,500 शिक्षक भर्ती से संबंधित ही है। इसमें कहा गया है कि 68,500 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है CBI जांच करने के लिए, वो CBI जांच मुख्यतः उन आरोपियों को ढूंढ रही है जिन्होंने कॉपी बदलने का काम या जिन्होंने गलत तरीके से किसी अभ्यर्थी को पैसे लेके पास किया है, उनको ढूंढ रही है। तो इस स्थिति में केवल और केवल उन्हीं लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता है जिन्होंने पैसे दिए हैं या पैसे लिए हैं, या फिर वो कर्मचारी जो इसमें शामिल हैं, वो शिक्षक भी जिन्होंने कॉपियाँ पैसों के लालच में चेक की हैं, क्योंकि ये सुनने में आया था कि एक ही शिक्षक ने एक ही दिन में 100-100 कॉपियाँ चेक की हैं। ये 100-100 कॉपियाँ चेक करना ही अब उनको भारी पड़ेगा, एक ही दिन में मैनुअली इतनी कॉपियाँ चेक करना कि किसी भी गुणवत्ता का परख का एक निशानी नहीं हो सकती है, इसलिए CBI जांच इन सभी पहलुओं की जांच करेगी। साथ के साथ CBI ये भी पता करेगी कि आखिरकार सरकार ने अपनी जो जांच कमेटी बनाई थी उसमें 2 सदस्य उनके उसी विभाग के थे जिस विभाग की वो जांच करवा रहे थे, तो इस बात को लेके भी उन्होंने ये CBI जांच बिठाई है कि आखिरकार उन जांच टीम के द्वारा कोई ढंग से पैरवी क्यों नहीं हुई, किसी को दोषी क्यों नहीं बताया गया, भ्रष्टाचार सामने क्यों नहीं आया। तो CBI इन सभी पहलुओं पर जांच करेगी, कहीं भी ये बात स्पष्ट नज़र नहीं आती है जहां उन्होंने कहा है कि सभी अभ्यर्थियों को भर्ती से बाहर निकाला जाएगा, भर्ती रद्द की जाएगी, या फिर ये कहा जाता है कि जब तक भर्ती में 30-35% से ऊपर भ्रष्टाचार नहीं होता है तब तक वो भर्ती रद्द नहीं होती है। तो देखते हैं कि CBI की रिपोर्ट में इस भर्ती में कितना भ्रष्टाचार निकल के सामने आता है। अगर ऐसा होता है कि 35% से ऊपर भ्रष्टाचार होता है, यानी 40,000 में से अगर आप 35% लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा होता है इतना, तो अगर अभ्यर्थी गलत लगे होंगे तो भर्ती का रद्द होना तय है, लेकिन मुश्किल है कि अगर इतने अभ्यर्थी गलत पैसे दे के भी लगे होंगे तो जाहिर सी बात है उन सभी की नींद उड़ गई होगी जो इसमें गलत तरीके से इस भर्ती में शामिल हैं। चलिए अब हम आखिरी खबर और बता देते हैं आपको, जिसमें जिला अलीगढ़ से ही है। जिला अलीगढ़ में जिला बेसिस अधिकारी ने आदेश दिया है कि जो निर्वाचन कार्य चल रहा है उसकी अंतिम तिथि 4 जनवरी 2019 थी, लेकिन अब इस तिथि को बढ़ाकर 15 जनवरी 2019 कर दिया गया है। ये आदेश BSS साहब अलीगढ़ ने जारी कर दिया है। अब 4 जनवरी निर्वाचन के पुनरीक्षण कार्यक्रम जो चल रहा था उसकी अंतिम तिथि 4 जनवरी ना होकर 15 जनवरी 2019 रहेगा। फोटोयुक्त निर्वाचन नामावली को पहचानना सत्यापन हेतु ये सभी कार्रवाई की जाएगी, और इसके लिए स्पेशल बूथ वो बताया था कि 18 नवंबर को भी लगाया जाएगा, जिसमें निर्वाचन से संबंधित सभी दावों को स्वीकार किया जाएगा। लेकिन जैसे कि सभी जिलों में ये बूथ लगेगा, तो अलीगढ़ जिले में भी जल्द से जल्द शिक्षा में संगठन इस समस्या का समाधान कर शिक्षा में तो BL का उस दिन पेपर है उसके लिए समाधान निकाल लेंगे।
तो दोस्तों ये थी आज की खबरें जो हमने आज आपको दी। हम ऐसे ही डेली अपडेट आपको देते रहेंगे, डेली आपको बेसिक शिक्षा से जुड़ी खबरें देते रहेंगे। बस उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में दबाना है बेल आइकन को। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि इस चैनल और दोस्तों तक पहुँच सकें। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ आपका साथी गोपाल सिंह। नमस्कार।